नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल इंडिया बोलेगा। आज हम आपको जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र की एक घटना बताएंगे। फेसबुक पर चैटिंग से भदोही जनपद के एक युवक का संबंध जिले के एक छात्रा से हुआ और छात्रा से मिलने युवक शनिवार को उसके कॉलेज आधम का। जब प्रधानाध्यापक को शक हुआ तो उन्होंने युवक से कॉलेज में आने की वजह पूछी, जिस पर युवक ने खुद को छात्रा का भाई बताया। शक होने पर प्रधानाध्यापक ने मामले की सूचना छात्रा के परिजनों सहित स्थानीय पुलिस को दी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंच गई और छात्रा के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बाजार स्थित एक कॉलेज में भदोही जिले का एक युवक कॉलेज में पहुंचकर छात्रा से बातचीत कर रहा था। यह जानकारी जब कॉलेज के प्राचार्य को हुई तो उन्होंने युवक से उसकी पहचान पूछी तो युवक ने खुद को छात्रा का भाई बताया। यह बात प्राचार्य को समझ में नहीं आई। तुरंत मामले में प्राचार्य ने इसकी सूचना छात्रा के परिजनों सहित रामपुर पुलिस को दी। जैसे ही छात्रा के परिजन पहुंचे, उसी समय स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर जब युवक की पहचान छात्रा के भाई के रूप में करना चाहा तो छात्रा युवक पर भड़क उठी और खुद को युवक द्वारा कई दिनों से परेशान करने की बात कहने लगी, जिस दौरान युवक ने अपनी पहचान भदोही जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मर्याद पट्टी गांव निवासी साजिद पुत्र अजीज खान के रूप में बताई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस युवक को लेकर थाने पर पहुंची और छात्रा के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में थानाध्यक्ष रामपुर अश्विनी दुबे ने बताया कि पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।